कुछ बंदी ऐसी होती है जो वैसे तो ताजमहल भी ना खरीदे, लेकिन अगर कोई उनकी झूठी तारीफ कर देना तो मिट्टी को भी सोने के भाव खरीद ले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल की खाल विद डीजे में। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सोडम सोनपरी सोना मांटी की एक्टिंग स्किल्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में बात होगी बॉलीवुड पप्पू में से एक जो खुद को फैशन आइकन मानती है और जिन्हें लगता है कि उनका जन्म ही सबको फैशन टिप्स देने के लिए हुआ है। उन्हें लगता है कि बस कपड़े पहनने की अकल सिर्फ उनमें है और वे बॉलीवुड को बदलना चाहती है, बॉलीवुड के फैशन सेंस को बदलना चाहती है। This gel look not happening anymore. That was very 90s. तो बात हम आज इन्हीं मैडम की, इन्हीं आंटी करेंगे। Hey guys, मैं घर पे हूँ और सेफ। हमने पूछा आपसे? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? नहीं यार, आप घर में रहो, जहन्नुम में रहो, भाई हमें उससे क्या? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? और मैं आपको डम क्यों बोला रही हूँ, उसके ना तीन रीजन है। सबसे पहले आप में तीन क्वालिटी है, डम स्टेटमेंट क्वीन, डम फैशन सेंस और डम मेकअप सेंस। यार आप ना दुनिया में पहली वो बंदी हो जो मेकअप करने के बाद भी भूतनी नजर आती हो। सुना है कि इन बड़बोली मैम ने ना ऐश्वर्या मैम को आंटी कह के बुलाया था। सीरियसली यार, सोनपरी सोनम आंटी, पहले आप खुद को तो देखो यार, एंटी एजिंग क्रीम भी आपकी रियलिटी को नहीं छुपा सकती। जी हाँ, एक बात बोलो, आप जो है नहीं ना वो आप बनने की कोशिश करते हो। तो चलो अपने आज के टॉपिक से ना भटकते हुए हम सीधा अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जो आज हमका हमारा टॉपिक है और जिस चीज में इन मैम को गलत फहमी है कि ये फैशन आइकॉन है। तो देखते हैं इनके फैशन कितने टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो देखिए पहली ये वीडियो यार, शर्ट के साथ साड़ी कौन पहनता है बे? और चलो साड़ी पहनी भी, वो भी फटी हुई साड़ी, इसे तो बोलते हैं गरीबी की निशानी। नाम डुबा रहे हो मतलब। और चलो फटी हुई साड़ी शर्ट के साथ पहनी तो पहनी, उसके ऊपर जूते, ये क्या है, अजीब से जूते यार। पता ना फिर आपको बुरा लगेगा कि सब आपको ट्रोल करते, पर आप कांड तो आप खुद करती है, कुछ भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रही, अभी तो आगे और भी वीडियो देखिए। अभी आप ये देखिए, ले भाई यार, पहले मैम आप मुझे ये बताओ क्या साड़ी का कपड़ा कम रह गया था या फिर शूज की दुकान बंद हो गई थी? यार इतनी शॉर्ट साड़ी, पहले तो आप ये बताओ यार, आपके घर वाले भी आपको कुछ नहीं बोलते क्या? आपके घर में कोई मिरर वगैरह नहीं है क्या, या बस अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर पर आप अंधाधुंध विश्वास करके बैठी हुई है? यार कभी खुद को मिरर में देख भी लिया करो कि आप कैसी लग रही है, या फिर आप अपने घर वालों को दिखाई नहीं देती, आप भी अपने पापा की तरह मिस्टर इंडिया हो। नहीं नहीं, हम सबको दिखाई देते होगे, आप अपने घर में नहीं दिखाई देते होगे, अपने घर वालों को नहीं दिखाई देते होगे, वरना वो आपको रोकते थे जरूर। यार अपने घर की बच्ची की इतनी बेइज्जती, बाहर जाके इतनी ट्रोलिंग हो रही है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। ओ इसका मतलब आप एडॉप्टेड हो, आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। इज्जत की किसी को पड़ी हुई नहीं है। चलो हमें क्या, हम क्यों इनकी पर्सनल बातों में घुस रहे हैं, तो हम तो फैशन टिप्स देख रहे हैं ना इनकी। तो फैशन आइकॉन मैम के अगले फैशन की तरफ चलते हैं। अभी ये क्या है यार, आधा पौधा आधा आदमी। यार मैम आपको कुछ भी लज्जा नहीं आई? यार तनिक तो लज्जा कीजिए, जब घर का गमला ही उठा के लेके आ गए आप। यार मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता यार, फैशन आइकॉन बनने के चक्कर में बंदी कुछ भी कर जाएगी, मतलब कुछ भी। चलो आप आगे की वीडियो देखिए। यार सच बताना आपको, ये कपड़े कम और भूसा ज्यादा लग रहा है ना, क्या पहन के आई हो यार मैम? कुछ तो पहले तो आप खुद को देखो यार, कम से कम उसके हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए। ये फैशन आइकॉन होता है, डूब मरो सब, डूब मरो। आप तो बॉलीवुड को ना पक्का सुधार के रहोगे। अरे अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आगे की वीडियो देखो। ये क्या अजीब से बाबा की बूटी पहन के आए हो? अरे मेरे को तो ऐसा लगता है घर के पर्दे उठा के लेके आ गई है। ओ लगता है आप पहाड़ों पर शांति के लिए जा रही है, पहाड़ों पर जाकर ध्यान लगाएगी ना।
सच्ची बताना। वैसे इस थर्सडे को क्या कर रहे हो? प्लीज हम तो ये करेंगे, करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद और आप ना एक काम कीजिए, आप ना ढंग की शॉपिंग करके आइए, ढंग के कपड़े पहन लीजिए जी, फालतू कटाई। और वैसे भी आप हमें अपने मुद्दे से मत भटकाइए, ये एक ऐसी ड्रेस थी जो हमें थोड़ी ठीक ठाक लगी यार, साड़ी इतनी भी पूरी नहीं थी, अच्छी खासी साड़ी थी, लेकिन नहीं आपको तो फैशन आइकन का टैग लगाना था तो आपने इस पर पहन ली जैकेट। वो ये क्या ये कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये क्या कॉम्बिनेशन है? और चलो जैकेट ली तो ली आपने, उसे कम से कम पहन तो लो, सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, आपको आदत पड़ चुकी है, जब तक आप ट्रोल नहीं होगी ना तब तक आपको भी खाना हजम नहीं होने वाला। नहीं आपको तो लाइमलाइट में बने रहना ही है ना। आप ये बताइए कि यार आपकी प्रॉब्लम क्या है, कभी आपकी साड़ी छोटी रह जाती है, कभी आपकी पैंट छोटी रह जाती है, यार इतनी गरीबी छा गई है क्या यार, लॉकडाउन का इतनी मार पड़ी है क्या आपकी पॉकेट पे? यार पहले ना ये बताइए यार, शादी के बाद फैशन सेंस घट जाती है क्या, यार घट क्या जाती है, खत्म हो जाती है क्या? यार एक काम कीजिए, आपके पास नहीं होगा ना यार, अपने पति के पैसों से जाइए, पहले ढंग की शॉपिंग करके आइए। क्या आप मुकेम्बो बन के फिर रही हो यार, कम से कम आपको कोई नहीं, आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो आपको ढंग की सजेशन देंगे नहीं, तो कोई दर्जी ढूंढ लो, उससे फिटिंग करा लो, और चलो कपड़े तो कपड़े, और ये गले में क्या टांगे फिर रही हो यार, घंटा टांगे फिर रही हो यार, मतलब ये घंटा कौन पहनता है यार गले में? मुझे तो लगता था कि यार आप कपड़े पहनने की अकल नहीं है यार, आपको तो ज्वेलरी पहनने की भी अकल नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यार ये कौन सा फैशन है? अगर ये कपड़े पहन के आप घर से बाहर निकल गए ना, डॉगी पीछे पड़ जाने हैं हमारे तो, और अगर हमने घर पे ऐसे कपड़े ट्राई कर लिए तो तोबा तोबा तोबा, हमारे मुंह और घर वालों के चप्पलों का, सभी घर वालों के चप्पलों का कनेक्शन हो जाना है बाय गॉड, और घर से धक्के मार कर निकाले जाएंगे वो अलग है ना। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी ना पालो, अपने दिमाग से ना जो भी गलत फहमी है ना वो सब कुछ निकाल के फेंक दो। तो चलिए इन गलत फहमी की पोटली को हम यहीं पे छोड़े चलते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना यार, और कोरोना का अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ, तो अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अगर ब्रश करते हैं तो हंसते भी रहिए। नमस्कार।